झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन हफ्ते भर में दूसरी बार दिल्ली पहुंचे हैं। राजधानी के ताज होटल में चंपाई ठहरे हैं और चर्चा है कि बीजेपी नेताओं से इस बार मुलाकात हो। हालांकि कैमरे पर चंपाई पत्ते नहीं खोल रहे हैं। बीजेपी ज्वाइन करने का प्लान है सर? चलो बाद में बताएंगे, चले दरवाजा नहीं नहीं बाद में बताएंगे, चले ए नहीं जी काम में आए हैं, बाद में बताएंगे, है ना। चले पिछले हफ्ते चंपाई सोरेन जब 3 दिन दिल्ली में रहे थे तब उनके बीजेपी में जाने की चर्चा तेज हुई थी। हालांकि तब न तो बीजेपी के नेता खुलकर बोल रहे थे और न ही चंपाई सोरेन। आज असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा ने चंपाई को कैमरे पर साथ आने का ऑफर तक दे दिया। चंपाई सोरेन जी का साथ मैं खुद चाहता हूं कि वो बीजेपी में आए और हमें ताकत दे, लेकिन वो इतना बड़ा लीडर है, उनका बारे में मुझको टिप्पणी करना ठीक नहीं लगते है। सूत्रों की माने तो बीजेपी के रणनीतिकार चाहते हैं कि चंपाई अपनी पार्टी बनाकर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे जहां आदिवासी वोटर्स में इनकी पकड़ मजबूत है, ताकि हेमंत सोरेन की जेएमएम को नुकसान पहुंचे। लेकिन चंपाई कैंप चाहता है कि वो बीजेपी में शामिल होकर चुनाव लड़े। वो चंपाईदा राज्य के लिए सोच रहे हैं, अगर राज्य के लोगों की भावना से जुड़े हुए हैं, उनकी अपनी इच्छा है, जैसा उन्होंने पहले भी जाहिर किया था कि मैं नए दल बनाऊंगा या फिर मैं किसी सहयोगी के साथ चला जाऊंगा, अब फैसला उनको लेना है। झारखंड में भी चुनाव का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन नवंबर दिसंबर में यहां चुनाव हो सकते हैं। बीजेपी 5 साल से सत्ता से बाहर है। बीते लोकसभा चुनाव में आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को नुकसान हुआ था, यही वजह है कि चंपाई के जरिए अब सत्ता में वापसी की रणनीति बनाई जा रही है। अब तो इतना तय है कि चंपाई सोरेन जेएमएम के साथ नहीं रहेंगे। पिछले दिनों चिट्ठी लिखकर उन्होंने अपनी बगावत का ऐलान कर दिया था। झारखंड लौटने के बाद उनकी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कोई मेल मुलाकात भी नहीं हुई। अब तो उन्हें यह तय करना है कि उनकी अगली राह भारतीय जनता पार्टी के साथ जाएगी या फिर वो अपनी नई पार्टी बनाते हैं।